नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और हम देख रहे हैं पजल फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, पजल सॉल्व करेंगे। तो आज है पजल नंबर 1, तो चलिए शुरू करते हैं। डेटा पढ़ लेते हैं पहले, क्या लिखा है। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नेक्स्ट स्लाइड में है, 8 पर्सन DEFGHIJK आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। क्या बोला गया है, ये 8 लोग हैं वो सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं बट सेम ऑर्डर में नहीं बैठे हैं। उनमें से क्या लिखा है, 4 of them आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर वाइल रेस्ट आर फेसिंग आउटसाइड फ्रॉम द सेंटर। तो मतलब 4 लोग इनसाइड देख रहे हैं और 4 लोग आउटसाइड देख रहे हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर क्या बोला है, देर आर 2 पर्सन सिट्स बिटवीन आई एंड जे एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। वहाँ पे कितने पर्सन है, 2 पर्सन बिटवीन आई एंड जे। ठीक है, तो मैं कंडीशन बना लेता हूँ, 2 पर्सन बिटवीन आई एंड जे। तो ये 8 प्लेसेस और आई और जे के बीच में 2 पर्सन। तो अगर मेरा आई यहाँ पे बैठता है तो जे यहाँ पे बैठेगा, सेम वाइस वर्सा भी होगा। तो एक और कंडीशन मैं बनाता हूँ, अगर जे यहाँ पे है तो आई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, बोथ आर 2 पर्सन सिट्स बिटवीन आई एंड जे एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। ईच अदर का मतलब क्या है, अगर आई इनसाइड देखता है तो जे आउटसाइड देखेगा, बट ऐसा हमें बताया तो नहीं गया ना कि कौन इनसाइड देख रहा है। तो ये सेम कंडीशन में एक दूसरी पॉसिबिलिटी होगी कि आई आउटसाइड देखे। तो मैं एक और पॉसिबिलिटी बना लेता हूँ, और एक और भी चाहिए होगी दूसरे वाले के लिए, तो वो भी मैं बना ही लेता हूँ। आई यहाँ पे और जे यहाँ पे और जे यहाँ पे आई यहाँ पे। ठीक है, और क्या था कि आई अगर इनसाइड दिख रहा है तो इसमें आई कहाँ देखेगा, आउटसाइड देखेगा। तो आई को आउटसाइड दिखाओ और जे इनसाइड देखेगा। ठीक है, सेम सिचुएशन यहाँ होगी, जे इनसाइड देखेगा तो आई आउटसाइड देखेगा, और जे अगर आउटसाइड देखता है तो जे अगर आउटसाइड देखता है तो आई इनसाइड देखेगा। ठीक है, तो मेरी 4 पॉसिबिलिटी रेडी हो गई है और पहली कंडीशन मैंने सेटल डाउन कर लिया। दूसरे कंडीशन पढ़ते हैं, जी सिट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ आई। जी जो है वो आई के इमीडिएट राइट में बैठता है। अब आई यहाँ पे है, दिख रहा है। ठीक है, तो उसका इमीडिएट राइट ये होगा, तो यहाँ पे बैठेगा जी। आई यहाँ पे आउटसाइड देख रहा है तो जी यहाँ पे बैठ जाएगा। आई यहाँ पे यहाँ पे है तो जी यहाँ पे बैठ जाएगा, और यहाँ पे आई यहाँ पे है और इसका राइट ये हो जाएगा, तो जी यहाँ पे बैठ जाएगा क्योंकि उसके इमीडिएट राइट में जी बैठता है। तो ये कंडीशन, सेकंड कंडीशन सेटल डाउन हो गई। नेक्स्ट, बोथ एफ एंड एच आर इमीडिएट नेबर्स टू ईच अदर एंड फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। एफ और एच इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे एफ बैठा तो उसके बगल में एच बैठेगा, या तो एच पहले बैठा एफ उसके बाद में बैठेगा, और दोनों सेम डायरेक्शन फेस करेंगे। ठीक है, सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट, बोथ जी एंड जे आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ बोथ एफ एंड एच। बोला गया है कि जी और जे जो है वो एफ और एच के इमीडिएट नेबर नहीं है। तो पहली कंडीशन में अगर मैं बताऊं, मार्कर बदल लेते हैं, कि जी यहाँ पे ये रहा और जे यहाँ पे ये रहा, तो उसके इमीडिएट नेप्लेस में कौन नहीं बैठता, एफ और एच। ठीक है, तो एफ और एच ये मैंने रेड मार्क किया, वहाँ पे नहीं बैठ पाएंगे। एफ और एच जी और जे के इमीडिएट नेबर्स में नहीं बैठे, मतलब यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा, यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, यहाँ पे एफ और एच यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा, एफ और एच दोनों ही नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक, एफ एच दोनों ही नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, जे के भी इमीडिएट प्लेस पे नहीं बैठ पाएंगे, तो ये दोनों प्लेस भी हाईजेक हो जाएंगे, और यहाँ पे भी नहीं बैठ पाए, सॉरी यहाँ पे नहीं बैठ पाएंगे, यहाँ पे नहीं बैठ पाएंगे, और यहाँ पे नहीं बैठ पाएंगे। अब कंडीशन ये कहती कि ये दोनों तो साथ में ही बैठेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये पॉसिबिलिटी में ये पोजीशन पे तो बैठ नहीं सकता, ये पोजीशन पे भी नहीं बैठ सकता, ये पोजीशन पे भी नहीं बैठ सकता, तो हमारे पास दो ही पोजीशन बचती है, एक तो ये और एक ये,
और दोनों को साथ में बैठना है, तो यहाँ तो मुमकिन ही नहीं है क्योंकि एफ यहाँ पे बैठेगा तो एच को या तो यहाँ बैठना पड़ेगा, बट वो रेस्ट्रिक्टेड है, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, एलिमिनेट। सिमिलरली यहाँ पे भी देखोगे तो जो बैठ ये पोजीशन पे तो बैठ नहीं सकता, एफ और एच यहाँ पे भी नहीं बैठ सकते, यहाँ पे भी नहीं बैठ सकते, तो ये दोनों प्लेस ही हैं जहाँ पे वो बैठ सकते हैं और वो दोनों आमने सामने हैं और हमें तो साथ में बिठाना है, तो ये भी एलिमिनेट। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, अब यहाँ पे एफ और एच यहाँ इन दोनों जगह पे तो नहीं बैठ सकते, बट जाहिर है कि ये तीन जगह में से कोई एक जगह पे तो बैठ पाएंगे बाकी तीन, तो ठीक है, तो मैं अभी इन तीन जगहों का कुछ नहीं करता, वो बैठ सकते हैं यहाँ तीनों जगह पे। सिमिलरली यहाँ पे भी ये तीन पे तो बैठ सकते हैं, तो मेरे पास दोनों पॉसिबिलिटी में वैलिड रहता है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, बोथ एफ एंड ई आर फेसिंग ईच अदर, एफ और ई ईच अदर को फेस करते हैं, मतलब एक दूसरे को फेस करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं, अब ये चीज़ समझ लो, एफ के बैठने के लिए ये तीन जगह ही हैं, बाकी तो हाई जगह है, तो एफ या तो यहाँ बैठेगा, या तो यहाँ बैठेगा, या तो यहाँ बैठेगा, और एफ के सामने ई को बिठाना है तो एफ के सामने ई के लिए प्लेस खाली होना चाहिए, अगर ये एफ वैलिड है तो यहाँ पर जी हो, जी की जगह ई आना चाहिए, तो मतलब ये एफ तो इनवैलिड हो गया। अगर ये एफ को मैं कंसिडर करूँ तो यहाँ पे मुझे किसको बिठाना पड़ेगा, ई को बिठाना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली ये भी प्लेस कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली ये प्लेस मेरा वैलिड है और एफ के सामने कौन बैठेगा, ई। और बोला गया है कि बोथ आर फेसिंग ईच अदर, मतलब एफ भी अंदर की ओर देखेगा और ई भी अंदर की ओर ही देखेगा, तभी वो फेसिंग ईच अदर कहलाएगा ना, बाकी तो फेसिंग अवे हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे कंडीशन में, दूसरे कंडीशन की बात कर लेते हैं कि एफ मेरा एफ के सामने का प्लेस खाली होना चाहिए, ठीक है, एफ के बैठने की जगह ये है, ये है और ये है, जिनमें से इसके सामने तो जी ऑलरेडी बैठा है, इसके सामने जे ऑलरेडी बैठा है, मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटी मेरी एलिमिनेट हो जाएगी और एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी, ये एफ वाली और उसके सामने बैठेगा ई, और दोनों कहाँ देखते हैं, आमने सामने, तो दोनों सेंटर वर्ड हो जाएंगे। अब एच के लिए स्टिल दो पॉसिबिलिटी है कि या तो यहाँ बैठे या तो यहाँ बैठे, ठीक है, तो अभी मैं कुछ नहीं करता, आगे की कंडीशन पढ़ता हूँ। आगे एक और कंडीशन है कि के सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, के जो है वो डी के लेफ्ट में थर्ड प्लेस पे है, ठीक है, और हु डज नॉट सिट्स अपोजिट टू जे, ये हु मतलब कौन, डी, डी किसके सामने नहीं बैठता, जे के सामने नहीं बैठता, तो ये जे है तो उसके सामने डी नहीं बैठता, तो यहाँ तो डी इनवैलिड है, तो डी के बैठने के लिए जगह दो ही हैं, या तो डी यहाँ पे या तो डी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जे के सामने डी नहीं बैठता तो यहाँ पे डी इनवैलिड है, तो डी के लिए दो ही जगह, या तो डी यहाँ पे या तो डी यहाँ पे। अब हमें बोला गया है कि डी के थर्ड टू द लेफ्ट में, जैसा कि थर्ड टू द लेफ्ट लेफ्ट में के बैठता है, ठीक है, अब डी के थर्ड टू द लेफ्ट में के बैठता है, अगर मैं इस डी को कंसिडर करता हूँ, ये वाले डी को, तो उसका थर्ड प्लेस लेफ्ट या राइट देख लो कोई भी जगह, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं पता, तो दोनों साइड देख लो, तो 1 2 3 ई बैठा है, इस और देखेंगे तो 1 2 3 ऑलरेडी आई बैठा है, तो अल्टीमेटली ये पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, एलिमिनेट, तो अल्टीमेटली हमें किसको मानना पड़ेगा, ये डी हमारा सही रहेगा। अब थर्ड टू द लेफ्ट में बिठाना है के को, अब इस साइड तो के बैठ नहीं सकता, तो अल्टीमेटली हमें डी को आउटसाइड ही दिखाना पड़ेगा, डी का फेस आउटसाइड रहेगा तभी उसका थर्ड टू द लेफ्ट इस साइड जाएगा और यहाँ पे बैठ जाएगा के, और बचा पर्सन कौन, एच, और एफ और एच दोनों अगल बगल में बैठते हैं और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एच भी इनसाइड ही देखेगा। सिमिलरली यहाँ पे आए तो अगर मैं इस डी को वैलिड मानता हूँ, तो इस डी के लेफ्ट में देखेंगे तो 1 2 3 आई बैठा है ऑलरेडी, और उसके राइट में देखेंगे तो ई बैठा है, तो अल्टीमेटली ये डी हमारा हो जाएगा एलिमिनेट और हमारे पास यही डी वैलिड रहेगा ये, और इसको इनसाइड ही देखना पड़ेगा, तो ही उसका लेफ्ट इस साइड जाएगा 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा के, और बचा पर्सन एच यहाँ पे आ जाएगा, और एफ भी इनसाइड देख रहा है तो के को भी एच को भी इनसाइड ही देखना पड़ेगा, ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन भी ख़त्म हो गई, सारी कंडीशन ख़त्म हो गई है और दो पॉसिबिलिटी वैलिड दिख रही है। अब मेरा कहना मतलब है, स्टार्टिंग में हमें बताया गया था कि 4% इनसाइड देखते हैं, 4% आउटसाइड देखते हैं, तो ये भी एक क्ल्यू है, ऐसा मत समझना कि ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो क्लू कैसे है, ज़रा गौर से देखिए।
अब हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी का अगर आप गौर करोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये एक पर्सन इनसाइड दिख रहा है, ये दूसरा इनसाइड दिख रहा है, ये तीसरा इनसाइड दिख रहा है, ये चौथा इनसाइड दिख रहा है और ये पांचवा भी इनसाइड दिख रहा है जो वैलिड नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ चार ही लोग इनसाइड देख सकते हैं, ऐसी कंडीशन है। अब ये हमारी मेन पॉसिबिलिटी में आ जाते हैं। मेन पॉसिबिलिटी में क्या है कि ये इनसाइड दिख रहा है, ये इनसाइड दिख रहा है, ये भी इनसाइड दिख रहा है और ये भी इनसाइड दिख रहा है। चार लोग इनसाइड देख रहे हैं तो बाकी चार आउटसाइड ही देखेंगे। दो तो ऑलरेडी आउटसाइड रेड है और के की डायरेक्शन नहीं है तो हम उसको बना देते हैं आउटसाइड, और जी की भी डायरेक्शन नहीं है तो वो भी आउटसाइड रहेगा। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा डिटेल में, ठीक है। फिर भी अगर कुछ डाउट जैसा रह जाता है ना तो बता देना, मैं उसका भी कुछ जुगाड़ कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, हाउ मैनी पर्सन सिट्स बिटवीन एच एंड ई व्हेन काउंटिंग फ्रॉम द राइट ऑफ ई। हमें एच और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं वो बताने हैं, और काउंटिंग कहाँ से करने हैं, ई के राइट से। ई के राइट से मतलब ये रहा ई, उसका राइट जाएगा इस साइड, और ई और एच के बीच में कितने लोग बैठे हैं, दो, डी और जे। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन बी, टू। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स अपोजिट टू डी। डी के अपोजिट कौन बैठता है, तो डी के अपोजिट अगर डी यहाँ पे है तो उसके अपोजिट कौन बैठा है, आई। तो हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी, आई। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन सर्टेन वे एंड हैंस फॉर्म अ ग्रुप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू डेट ग्रुप। क्वेश्चन का मतलब है दिए गए पांच ऑप्शन में से चार ऑप्शन एक ही ग्रुप बनाते हैं या फॉलो करते हैं। आपको ये बताना है कि वो पांचवा ऑप्शन कौन सा है जो उस ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा। पहला क्या है, जे कॉमा आई। अगर मैं जे और आई को ऑब्जर्व करता हूँ तो जे के थर्ड टू द राइट में आई है, दिख रहा है थर्ड टू द राइट में आई, यस। नेक्स्ट एफ जी, क्या एफ के थर्ड टू द राइट में जी है, एफ इनसाइड देख रहा है तो राइट इधर जाएगा, ऑफ कोर्स है जी। नेक्स्ट ई एच, ई के थर्ड टू द राइट में एच है, ई के थर्ड टू द राइट में एच ऑफ कोर्स है। नेक्स्ट ई एफ, ई के थर्ड टू द राइट में एफ है, अब ई के थर्ड टू द राइट में एच था तो एफ तो फोर्थ टू द राइट है। तो हमारा आंसर कंफर्म डी ही जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो फिफ्थ ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, एच आई, एच के थर्ड टू द राइट में आई आपको मिल जाएगा, एच के थर्ड टू द राइट में आई मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ के विथ रिस्पेक्ट टू जी। आपको किसकी पोजीशन बतानी है, के की। किसके रिस्पेक्ट में, जी के रिस्पेक्ट में। जी कहाँ है, ये रहा। इसके रिस्पेक्ट में किसको देखना है, के को देखना है। अब जी आउटसाइड देखता है तो जी के राइट में देखेंगे तो सेकेंड प्लेस है, और लेफ्ट में देखेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो सिक्स टू द लेफ्ट या तो सेकेंड टू द राइट। ऑप्शन में क्या अवेलेबल है, सेकेंड टू द राइट, तो हमारा आंसर चला जाएगा सेकेंड टू द राइट। नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ द पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड आई व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, मतलब एफ और आई के बीच में कितने बैठे हैं जब हम आई के लेफ्ट से काउंट करते हैं, सॉरी एफ के लेफ्ट से काउंट करते हैं, ठीक है। तो एफ और आई के बीच में एफ के लेफ्ट से काउंट करें तो यानी इस साइड से काउंट करना है, वन टू थ्री फोर फाइव, पाँच लोग बैठे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड आई व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ एफ इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन डैश एंड डी व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ डैश। मतलब आपको एफ और आई के बीच में पांच लोग बैठे हैं ना, वैसे ही ढूंढना है कि डी के साथ कौन ऐसा है जिसके बिटवीन पांच ही आएंगे जब उस पर्सन के लेफ्ट में देखा जाएगा। तो अगर हम देखें डी यहाँ पे है तो ऐसे दो ही पॉसिबल है कि एफ और ई। बट ये चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि अगर हम एफ आंसर चूज करते हैं ना तो उसके लेफ्ट में देखेंगे तो सिर्फ एफ और डी के बीच में एक ही बैठता है, और अगर ई आंसर चूज करते हैं तो उसके लेफ्ट में देखेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव। तो अल्टीमेटली हमारा राइट आंसर क्या होगा, ई वाला, यानी ऑप्शन डी। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा सेट कंप्लीट होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंड हुआ होगा, आपको वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। और अगर सॉल्यूशन में फिर भी कोई आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही और वीडियो मिलती रहे इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।
वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और कमेंट करके भी मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो क्योंकि मैं वहाँ पे मोस्टली एक्टिव हो जाऊँ, और बाकी सारे सोशल नेटवर्क भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि PDFs के लिए टेलीग्राम सही है, फेसबुक अपडेट्स के लिए सही है, ट्विटर पर मैं मोस्टली एक्टिवेट नहीं हूँ तो उसको इग्नोर कर सकते हो। तो वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद।